भाई लोग कैसे हो यार। मैं आगे अगर खतरनाक से वीडियो लेकर अगर भाई ये वाला जो मैच है भैया जी, इसमें आपको ये वाले मोड में जो कुछ पावर वगैरह भाई वो यूज करते हुए दिखाऊंगा आपको। उसी के साथ भैया जी डीबीएस जो तुम्हारा भाई चलाने वाला है इस वाले मैच में ना, देखना मजा ही आ जाएगा। मतलब 1v4 वगैरह भी खतरनाक होने वाले हैं और एक बंदे को तो इतना बुरा मारने वाला हूँ कि देखना तो बनता है। तो देखो अब क्या होगा? अरे कुछ है ही नहीं यार। गॉन्टलेट से तो बंदा एक ही बार में मर गया। मैं मौत चेंज कर रहा था, रिवाइव दे रहा है। यहाँ दो बंदे नॉक हैं। अब यहाँ जिस बंदे को फिनिश किया भाई इसी ने, यहाँ नेड फेंका हुआ था और तुम्हारा भाई नॉक हो जाता है। खैर यहाँ तीन बंदों को नॉक किया था और मेरे को बस अभी एक किल मिला है। थैंक यू। में आगे बहुत सड़ी गई भूत। कोई बंदा है आसपास? क्या कर रहा है? अंदर गनवा ले ले। अबे भाई एक और साला। भाई यार दे कवर ही नहीं मिलता है बे। कौन था नंबर एक भाई? मेरे पीछे ही था यार भाई। Marked a location. Awesome. अब जैसे ही भाग के यहाँ आ गया तो भाई इसी घर में से यहाँ एक बंदे की साउंड आई थी और जैसे ही इधर आया बंदा दिखा मेरे को कैंप करता हुआ। अरे तगड़ा मुजरिम भाई, तगड़ा भाई। ऑल डेड ना होता भाई मैं तो कूद के मार देता यार अभी तक। अब भैया जी उधर से मारो और के इधर आता हूँ क्योंकि भैया जी यहाँ एक बंदा फायर किया था और अब यहाँ फुटप्रिंट वगैरह भी बंदे का आ रहा था। ये आ गया। इन्हीं बंदों के साथ ये जगह क्लियर हो गया था तो भाई अब लूट वगैरह करके सीधा निकल लेते हैं। अब भैया जी बाइक उठा के मैं निकल लेता हूँ और यहाँ बंदे मरे जा रहे थे और किल के नाम पे घंटा कुछ नहीं मिल रहा था, पर फाइनली सामने एक गाड़ी दिखाई देती है। अब यहाँ दूसरे बंदे को भी एक दो गोली मारता हूँ और मेरे को लगा भाई टीममेट को बचाने बंदा आएगा लेकिन ऐसा घंटा नहीं होता। अब इन बंदों को मारते मेरे को लगा भाई यहाँ जितने बंदे से सारे मर गए, पर जैसे ही आगे बढ़ा एक और बंदे की साउंड आई। ऊपर ऊपर ऊपर। बहुत बुरा मारा। चाहे रुका लाला कुछ देर सेकंड के लिए यार, पहले आओ बता काम है। थैंक यू। कोई रुकल लाला देखा कि हमने किसी को नॉक के लिए है कब एक एक शॉट आउट पड़ जाए तो बोलो। अब भैया जी यहाँ से फिर से निकल लेते हैं और अब काफी देर तक गाड़ी वगैरह घुमा रहे थे लेकिन फिर भैया जी मैं स्केटबोर्ड लेके लगता हूँ दौड़ने और सामने स्क्वाड हाउस पे बंदे मिलते हैं और देखना अब उन बंदों के साथ क्या होने वाला है।
अगली अगली उसे आवत नहीं हम ऐसे हेलीकॉप्टर ना बैठा हो अब ये वाला क्लच पसंद आया हो तो भाई देखो एक लाइक तो बनता है। अरे कैसे कहाँ डीबीएस हवा एक कट साउंड आया ला चला हर रात छटक गया लगाओ कर आम पड़ल बहुत टाइम पे मारा है। थैंक यू अब ये वाला पावर जैसे मैंने यूज किया भाई ऐसे ही आपको यूज करना है। बस ये ध्यान देना कि भाई इतना दूर एम ब्लॉक मत कर देना अपना कि भैया जी वो उतना दूर जा भी ना पाए और पहले ही हवा में ही खुल जाए वो एम। अब बस यहाँ दो बंदे बचे हुए थे और भाई काफी देर से मैं घूम रहा था और फाइनली सामने एक बंदा दिखाई देता है। इसको भी यहाँ मार देते हैं। अब बस एक बंदा बचा हुआ था और भाई इसके साथ इतना ज्यादा बुरा होने वाला है मतलब देखना तो बनता है इसके साथ होता क्या है। और ये पावर जब भी आप यूज करो ये ध्यान दो अगर बंदे ओपन में है तो भाई उनके मुंह पे कहता यूज करो। दो चार बंदे होंगे तो फिर तो भाई आपका पेटी बना देंगे लेकिन अगर एक दो बंदे हैं और एक दो बंदे वहां नॉक पड़े हैं उस टाइम ये पावर उन बंदों के ऊपर यूज करते हो तो कसम से भाई साहब जो सीन देखने को आपको मिलेगा ना पूछो मत। जैसे ये बंदा हवा मुड़ गया वैसे ही भाई अगर तीन चार बंदे के ऊपर आप यूज करते हो तो भाई सारे बंदे ऐसे हवा मुड़ जाएंगे। बस ये ध्यान देना कि भाई सही बंदे हुए ना मतलब ऐसे तीन चार बंदे हैं और सारे बंदे जिंदा हैं तो फिर तो पेटी बन जाएगा आपका। खैर जो भी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।